बहुत मजे मजे के अफोर्डेबल भी अफोर्डेबल तरीन है, चलते हैं। ठीक, ये ना इचरा में अब आया शॉप है, इसमें मैं वॉइस ओवर भी, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पर्पल कलर है, ये कलर भी अच्छा है, ये भी अच्छा। हेलो पाई, ओ पाई, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। मैं आप लोगों ने भी कहा ना, इसने सही तमाशा बनाया हुआ है, कभी व्लॉग शुरू कर लेती है, कभी बस कर देती है, कभी शुरू कर लेती है, कभी बीच में छोड़ देती है। वाकई यही मसला यार, मैंने पिछले बार भी जब व्लॉग छोड़े थे ना, तो मैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा स्वेयर वाले, और ना मुझे, मैंने अक्सर ही आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं हर दफ़ा मजबूत हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं अब नहीं, अब मैं करूँगी शेयर। आप लोगों को इतने पसंद भी आ रहे होते हैं, मुझे जो भी मिलता है ना, वो लाइक मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं इतने शौक से, उस टाइम फिर मुझे मिस हो रहा था यार, इतना आप लोग प्यार करते हो, और मैं किसी रीज़न की वजह से छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपको पता है व्लॉग में मुझे ओके लाइक व्लॉग में ना, एक तो मैंने मास्क लगाना होता है, चले मास्क में मैं कर लेती हूँ, लेकिन ना लाइक लाइफ स्टाइल दिखाना होता है, घर खाना पीना आना जाना, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली का जो सीसीटीवी फोटो जाना वो नहीं मुकता, लेकिन व्लॉग में तो है ही है। और अभी आजकल मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना व्लॉग में, एक तो ज़्यादा बात हो जाती है आप लोगों से, और काफ़ी कुछ शेयर हो जाता है, मेरे पास बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने व्लॉग्स में वो शेयर करनी थी, ठीक है। मेन चैनल पर भी मैं बहुत सारे न्यू रिव्यूज़ बनाने वाली हूँ, और इसके अलावा मेरा लाइव आने को भी ना अब बहुत ही ज़्यादा कोई दिल कर रहा होता है, तो इंशाल्लाह लाइव भी आऊँगी, और मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लो। आज का भी मैंने व्लॉग, मेरा सुबह ही इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना कि आज मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊँगी और मैं बातें करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद वापस इस तरह से कैमरा पकड़ी हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और इंशाल्लाह आप सारे यार मुझे दुआ करना कि अब ना मैं व्लॉग छोड़ूँ बनाना, ठीक है, फुल पैशन के साथ बनाऊँगी, फुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत के साथ। और अभी मैंने पूरे दिन की रूटीन बनाई है, लड़कों वाले घर की जो हालात होते हैं ना, जिनकी बेटियां नहीं होती, वो प्लीज़ नीचे आके अपना दुख मुझे बताएं कि उनके घर के मर्द भी यही कुछ कर जी जानी। एक मेरी टोमिया बैठी हुई है जी, अपने खिलौने सारे उठाए हैं आपने, अच्छा ऐसा है कि अभी ना मुझे बाज़ार जाना है मार्केट, और मैं ऐसे डावाडोल हूँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, घर के सारे दिन के काम हो गए हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को भी लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने ना रिसेंटली वो देखा था, अबायाज थे वहाँ पे, बहुत ही प्यारे, इतने अच्छे थे ना, इतने अफोर्डेबल, तो मेरा दिल कर रहा मैं आप लोगों को भी लेके जाऊँ, बहुत मज़े मज़े के, अफोर्डेबल भी अफोर्डेबल तरीन है, चलते हैं। ठीक है, पहले हम पहले पूरे दिन की रूटीन बाद में शेयर करेंगे, पहले बाज़ार चलते हैं, व्लॉग में मैं आगे पीछे क्लिप कर लेती हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप लोग भी मुझे जितना प्यार करते हैं ना, उसके लिए शुक्रिया जी जाने। वाह, अफान कह रहा है मेरी भी गाड़ी दिखा दे मामा। ओके, आपने नूडल खा लिया, तो ये फानिया पे बैठ के नूडल खा रहा था, और नूडल वो रखे हुए आधे जिसने जिसने खाए नहीं, नमाज मैंने पढ़ लिया, सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी चलते हैं फटाफट से ना बेबे, ये नूडल मैं इसके बाद। ओके, मुझे ये वाला अबाया पसंद आ रहा है, दिखाएँ ना मुझे, ग्रे कलर में है, यहाँ पर कहीं लग सकता है। शीशा भी गंदा है, इतने सही से, एक सेकंड आप थोड़ा सा। ओके, ये ना इचरा में अब आया शॉप है, इसमें मैं वॉइस ओवर भी, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पर्पल कलर है, ये कलर भी अच्छा है, ये भी अच्छा। ओके जी, मैं पहुंच चुकी हूँ बाया शॉप में, और हम वहाँ पता है शॉप में और भी कस्टमर लोग होते हैं, मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये ना आपने मेन एंट्रेस, अब सब ने मेरे से एड्रेस पूछने बैठ जाना है, आप लोगों ने इचरे का जो मेन एंट्रेस है ना, उस बाजार में एंटर होना है, और थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे, दो मिनट, एक मिनट चल के, एक मिनट की वॉक के बाद ना राइट हैंड पे आपको पहले नीचे बाया के उसका शॉप से नजर आएगी, फिर उसके अंदर सीढ़ियाँ वो चढ़ के आपने ऊपर चले जाना, ठीक है, स्टार्टिंग में ही ज़्यादा अंदर नहीं जाना आप लोगों ने, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके ना इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मेरा मेन मकसद था यार, आगे से ओपन अबाया मुझे चाहिए, बिल्कुल प्लेन हो थोड़ा सा, मतलब लेकिन मुझे आगे वाले फ्रंट बटन चाहिए थे, तो मुझे इसमें इतने ज़्यादा आर्टिकल पसंद आने लगे ना, और लास्ट ईयर पूरा जो मैंने जीन्स वाला एक अबाया, जीन्स स्टफ का, डेनिम स्टफ का पहन के रखा था ना, जीन्स तो नहीं, खैर दिमाग खराब हो गया, डेनिम वाला, वो वाले भी इनके पास बहुत प्यारे प्यारे पड़े हुए थे, अभी मेरा इससे दिल भर गया ना, तो मैंने सोचा कि मैं अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं ना कोई न्यू अबाया ले लेती हूँ, पहले मैं ब्लैक का ही घर से सोच के गई थी, लेकिन वहाँ पर जाकर कलर्स देख के मेरा तो सारी नीयत ही बदल गई, ये वाले कलर पर मेरा इतना ज़्यादा दिल आ रहा था, ग्रे इतना प्यारा था, ब्लू इतना प्यारा था,
बहुत मेरी ना नीयत ख़राब हो रही थी, और अफोर्डेबल थे, लाइक 2800-2400-3000 की रेंज में ना, और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। सिलाई ये वाला मैं वो अपना पसंद कर लिया, तो मुझे एकदम फिर नज़र पड़ गई इस चुनट वाले पे। आपको पता है कितने ज़्यादा चले हुए हैं, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और जॉब गोइंग गर्ल्स के लिए, कितने प्यारे, बहुत ही प्रिटी लगते हैं और हैं भी अफोर्डेबल थे। आई थिंक ये वाला 24 का था, ये मुझे ये उनमें कलर्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा, इसमें ये वाला स्किन सा कलर था, ये मुझे बहुत ही फिर मेरा मूड बदल गया वो पर्पल। हालांकि मैंने हाथ पे रखा हुआ था कि मैं इसको फाइनल करती हूँ, लेकिन ये वाला देख के मैं फिर मुझे बहुत ही ये वाला ना स्टाइल, इसके साथ बेल्ट भी है। हाला मेरा दिल कर रहा है कि इस अबाय शॉप का ना एक पूरा बना पहन पहन के ना, लाइक आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, कितने मज़े मज़े। मुझे वैसे ही अबायास पहन पहन के वैसे ही बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा कैसे खरीदूं आप लोगों के लिए सिर्फ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो, ये देखें कितनी प्यारी फ्रिल लगी हुई है, स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। अच्छा जनाब, इसके साथ मैंने कहा कलर कोई और लेती हूँ, जब उन्होंने मुझे ये ब्लू दिखाया फिर मेरा फाइनल इस पर दिल आ गया। मैं इसकी ट्रांजिशन वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर रहने। फिर मैंने वो वाला छोड़ दिया पर्पल, वो भी कलर बहुत ही प्यारा था, मतलब इसमें ग्रीन कलर भी था, लेकिन ग्रीन कलर का आपको पता है भाया मेरे पास ऑलरेडी है। बहुत ही कमाल कमाल के अबायास थे, और प्राइस वाइज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पहले जो दारुल लिबास शेयर करती रहती हूँ ना, वो स्टार्ट ही 5000 से होता है, उससे कम के अबायास बहुत कम है, उनके पास वैरायटी भी कम है। तो ये वाली शॉप पे मुझे प्लेन अबायास की ना बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी लगी है। अब फिर मैंने फाइनल ये वाला कलर किया, इसके साथ बेल्ट थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। इसके बाद मैंने बाजार में कुछ भी नहीं लेना था, मैंने बस वापसी पर ये जो अफोर्डेबल शॉप, मैंने इसे लेना कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। बहुत सारी क्लाइंट्स जो मेरे पास आती हैं बार बार पूछते हैं कि विग्स हम कहाँ से लें, तो यहाँ ना इचरा में ये वाली शॉप से बहुत अच्छे विग्स मिल जाती हैं, स्ट्रेट मिल जाती हैं, कर्ल्स वाली मिल जाती हैं, ये उस तरह जो एक लड़ी सी बनी होती है इनसे बहुत प्यारे हेयर स्टाइल्स बनते हैं वो मिल जाती हैं, और अफोर्डेबल भी हैं, इतनी कोई खास महंगी नहीं, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, बहुत ही कलर्स मिल जाती हैं, जैसा आपने हेयर डाई लिया हो वैसा कलर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेकअप में इनके नेल्स की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा आई हुई है, वो नेल्स बहुत प्यारे प्यारे, मैंने छोटा सा क्लिप लिया था थोड़ा सा स्लो मो में, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसका एड्रेस मैंने इसका पेज ना अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर टैग कर दिया हुआ है, वहां पे आप लोग उनसे पूछ लो कि इजीली, क्योंकि ये भी है ना जो मेन एक एंट्रेंस है ना उसके साथ वाली जो एक ज्वेलरी वाली सी आती है, वहां 3-4 शॉप्स छोड़ के ना बस 5वीं या 6वीं होगी, इस तरह मुझे याद नहीं होता। आप लोग मुझे जो मैंने नंबर दिया होता है ना, वो सिर्फ मैंने मेकअप अपॉइंटमेंट के लिए दिया हुआ, लेकिन एक आपी ने मुझे इतने मैसेज किए, इतने मुझे शॉप का एड्रेस बता दें, फिर मैंने उन्हें बताया, उसका लिंक सेंड किया, वो उस पर गई और इतने ज्यादा शॉपिंग करके फिर वापस मुझे मैसेज करें थी कि आपी मैं आई एम सो हैप्पी कि मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे शॉप से बहुत ज्यादा शॉपिंग की है ना। तो माशाल्लाह से इस तरह से दूसरे शहरों से इवन मुझे उन जो शॉप के ऑनर है उन्होंने बताया कि इवन दूसरे शहरों से आ रही होती हैं और वो बता रही होती हैं कि हम जैनब की वीडियो देखकर आए हैं। तो मेरी तरफ से आपको मेरी ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इतने लॉट का लाइक बाहर का जो माल होता है लाइक मेकअप अच्छा मिल जाता है, अफोर्डेबल मिल जाता है, थोड़े से मैसेज इस टाइम ज़्यादा हुई है क्योंकि इनके पास न्यू सामान आया हुआ था, वो सारा ये निकाल रहे हैं। तो जनाब अच्छा जी, यहाँ पे आप ब्रशेस की वैरायटी चेक कर लो, फेस ब्रशेस भी हर तरह के मिल जाएंगे और 100-200 की रेंज में, और आई मेकअप ब्रशेस तो ओनली 50-50 की हैं, जो मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो क्लिप दिखाया ना, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, दो इस तरह के थे मास्क लगाने के लिए, ये तो मैंने फटाफट ले लिए, ये मुझे बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, क्योंकि आपको पता फिंगर से हमेशा ये बड़े सॉफ्ट से सिलिकॉन से बने हुए थे, तो ये मास्क फेसिस पे मास्क लगाने के लिए बहुत प्यारे थे। ब्रशेस की वैरायटी बहुत ही ज्यादा, ब्रिसल्स भी सॉफ्ट है, आपने अपनी पसंद का देख के आराम से यकीन करोगे कि मैंने जो मजे की बात 15 मिनट के अंदर ना दुनिया की वाहिद वो लड़की हूँ जो 200 की स्पीड से शॉपिंग, 200 की 1000 की स्पीड से, मुझे बिल्कुल ना बार्गेनिंग मेरे से होती है ना मेरे से टाइम वेस्ट होता है, बस जल्दी जो चीज पसंद आई लो और घर निकलो। अच्छा जी, मैं घर आ गई हूँ और मैंने कहा था आप लोगों के साथ पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। टिड्डू देखो कितना भी मच्छर लग रहा है माशा अल्लाह। अफान जो है भाइयों को लेने जा रहा है, अफान की एक्साइटमेंट देखना बाहर जाने की। अफान कहाँ जा रहे हो? चिया ये हमारे घर चिया ने भाई घोंसला बना लिया था प्यारा। चिया ये अफान, अफान आप कहाँ जा रहे हो? बेबी कहाँ जा रहे हो? भाई इधर आओ, बात तो सुनो। अफान ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर, इधर आओ। सुबह कौन आया था? नहीं नाना अबू दादा अबू एक्साइटमेंट चल कर गिर जाना इसने ये जो हरकतें कर रहा है। अल्लाह हाफिज तो करते ठहरे से मुझे बाय करने दें। और बड़के चेक करो वाह। आज पूरे इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बनाने लगी और किचन में इतना मैस है, लेकिन पहले मैंने दाल और चावल रखे हैं और ये मैसी किचन, बस ये सारा सिमटते हैं जादू करके इसको समेटते हैं। ठीक है जजीदी, हम लोगों को दिखा दूँ कमरे में कितना बड़ा मैस है। कमरा चेक करें, ये बच्चे और इनके बाबा उठ के गए, 3 दफ़ा मैंने ये बिस्तर ऊपर तैयार करके रखे हैं, 8 नीचे, ये टिड्डे साहब के उफ उफ उफ।
ये बंदे जब कपड़े चेंज करके जाते हैं, ये हाल करके जाते हैं घर का। ये पाकिस्तानी घरों के हालात और टिड्डे के खिलौने के चेक करें, और ये अब ये सारा कुछ चलो इसको भी समेटते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, बंदे ने कपड़े उतारे और कहाँ फेंके गए हैं। कोई नहीं, काम वालियाँ मिली हुई हैं ना फ्री की। कमरा बस समेटा, चावल पक गए हैं, सालन पक गया, दाल को मैंने तड़का लगाना, और मेरे सैलड पे हमला हो गया। मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी, और ये लड़ाई चक, अभी मैंने तुम लोगों के अब्बा के कपड़े उठाए हैं जमीन से, अब तुम लोग, अभी मैंने कमरा सारा फान चुप, अब देखो चिया आई, चिया सुनो बस, अभी अभी मैं इनके अब्बा के कपड़े उठा के हटी हूँ, और अब इन बात मेरा बेटा अपने काम सारे करेगा अपने। ओए होए लड़ाई होती रहेगी, और यहाँ पे मेरे सैलड पे हमला हो गया। दरवाज़ा तो बंद करें, ये सैलड मैं अपने लिए लाई थी खाने के लिए, और आप लेकर बाहर आ गए। कोई आया? आप क्यों रो रहे हो? आप अपने खिलौने से खेलो भाई। शाबाश शाबाश बान इज अ गुड बॉय, शाबाश 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 बानी, हर चीज़ उसकी उसकी अपनी जगह पे रखनी है, इस तरह नहीं करना। ये लड़कों वाले घर का हाल। सिन्हा ना करो सिन्हा, बान हाइना किधर आपकी गर्दन देखो कितनी अजीब लग रही है सर्दियों में। बनी अभी सिनान देखो पहनी हुई, अभी सर्दियां नहीं खत्म हुई। हाँ जी, अच्छा हाइना को उतार के रखी हुई इधर, ये तो नहीं बनाती, चलो नहीं धोने के लिए तो रख दो ना, ये बताओ कहाँ है मोटे तू कितना, मैं कहने इस लड़के की हाइना ये चेंज चेंज लग रहा। अच्छा सीधा खड़ो के दिखाओ, तो इसको ना वक्र ही शौक है सबके अंदर घुसने का। गर्दन देखे इसकी कितनी अजीब लग रही है, सुखी सी। ओए कौन हो? खाना खाना, मैंने नाश्ता हैवी कर लिया था। मनी लेना है अपने सैलड, सैलड लेना है। ओके ओके ओके, बच्चों को मैंने नीचे बिठा दिया, बच्चों के साथ मैं बैठ जाती हूँ। जल्दी जल्दी शुरू कर बिछिला, ये लेना है अपने खीरा ले लो। हाँ जी जल्दी करके आओ। ये कैसे बोल रहे हो? मुझे आपकी इतना अजीब लग रहा है हाइनक के बगैर, आपको मैंने हाइनक पहनानी पहनानी है। सारा कुछ उतार दिया नीचे से? नहीं। अच्छा अच्छा चलो अफान पहले चावल खाओ, अफान पहले आप अपना आपा खाओ, ये खील है आप खाओ पहले, मामा सिर्फ सैलड पे गुजारा करेंगे। मन चावल सही बने भैया? हाँ सिनान वो इतनी प्यारी बात बोलना जरा दोबारा, कितने नंबर आए थे आपके? पूरी बात बोलना यार, सुना इतने प्यारा लग रहा था, बोल दोबारा। इतना प्यारा कहता है, इतना प्यारा कहता है, मेरे भी अभी मेरा हाथ चेक करे भाई। ये हम आपस में बातें कर रहे हो ना, ये समझता है कि बस मेरे से बात करनी जरूरी है। कहता मेरा भी टेस्ट चेक नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे 35 में से 35 आएंगे। कोका अच्छा उन दोनों को गंजा करा छोड़ा इस पाई ने ना, इस पाई ने जो मेरा पाई बैठा हुआ, इन दो को गंजा करा छोड़ा, और माशाल्लाह इसके इसके हीरो के चेक करें, इसकी भी लेंथ जरा यहाँ से गंजी करा के लाते ना, इसके बाल ज्यादा सकते हैं खाने के ऊपर गवाल, और इन दो को मेरे गंजा ही कर छोड़ा। मैंने इतनी मुश्किल से इसके बाल बढ़ गए, इतनी छोटी लेंथ हो गई है उसकी। हेलो पाई, ओ पाई इसके बाल क्यों नहीं कटवाए हमने? अरे जरा अपने भी, ये अपने ये क्या कर रहे हैं, अपने भी कब कटवाने हैं जरा ये भी बता दें। 4 साल बाद अभी तक वैसे की वैसे प्लेट्स हैं। मैं देख रही हूँ आज कौन जीतता है, मैं देख रही हूँ। ओके जी लड़कियों, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं इंशाल्लाह कल मिलूंगी अपने नए दिन की व्लॉग के साथ, नए दिन के रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।